हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.7। 1.7 आपके जो है उसमें हमारा नियरेस्ट 10 चेंज करना है, राउंड ऑफ करना है 100 और नंबर राउंड ऑफ करने हैं 1000। तो राउंड ऑफ करने का मतलब कि हमें जीरो फिगर में नंबर को चेंज करना है। उसके लिए बहुत इजी सा पैटर्न है, जैसे हमें राउंड ऑफ करना हो टेंस, सिर्फ टेन ही चेंज करना हो लास्ट वाला, तो हमें सिर्फ वंस प्लेस डिजिट ही चेक करना है। अब देखिए 45 के अंदर आपका वंस प्लेस डिजिट है, अगर आपका 0 to 4 है तो आपको सिर्फ जीरो ऐड कर देनी है, जीरो लगा देनी है एट वन प्लेस। लास्ट डिजिट चेक करिए, अगर वो 0 to 4 के बीच में, 0, 1, 2, 3, 4, तो आपको बाकी सारे नंबर एज इट इज रखने हैं, सिर्फ जो वंस प्लेस है वहां पे क्या ऐड कर देना है, जीरो। एग्जाम्पल देखिए 7014, ये एक नंबर दिया हुआ है आपके एच नंबर क्वेश्चन में, हमें राउंड ऑफ करना है इसको नियरेस्ट 10। तो हमने नंबर देखा वंस प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 4, तो 4 जीरो और 4 के बीच में होता है, तो मैंने क्या बताया कि एट वंस प्लेस हमें क्या ऐड कर देना है, जीरो ऐड कर देना। तो मैंने वंस प्लेस पे 4 की जगह क्या ऐड कर दिया, जीरो। तो मेरा नंबर एस्टीमेट होगा राउंड ऑफ 10 7010। ओके, उसके बाद बात आती है नंबर 5 to 9। अगर आपको वंस प्लेस पे ये नंबर मिलते हैं तो आपको ऐड करना है 1 एट टेंस प्लेस। देखिए वंस प्लेस पे चेक किया मैंने, मेरा नंबर आया 45 के अंदर 5। अब ये जो 5 है तो मुझे क्या करना है, 1 ऐड करना है टेंथ प्लेस पे। तो टेंथ प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 4, 4 के अंदर ऐड किया 1, तो क्या हो गया 5, और बाकी नंबर को मैंने किसमें चेंज कर दिए, 0 को। होपफुली आपको समझ आया होगा ये पैटर्न। अगर ये समझ नहीं आया, एक तरीका और है इन्हीं क्वेश्चंस को करने। अब देखिए मेरे पास 45 है, वो किन दो टेंस जीरोज के बीच में आता है, इसको मैं राउंड ऑफ कर सकता हूं पीछे जाके 40 पर, और कहां जा सकता हूं आगे 50 पर। ठीक है, 40 और 50 के ऊपर राउंड ऑफ कर सकता हूं मैं इसको। अब यहां पे देखिए मेरा 5 है, तो मैंने 5 to 9 बोला है, तो 5 to 9 अगर कोई नंबर आए तो आप आगे वाले पे जाइए। तो जैसे 45 के आगे क्या आएगा, 50, तो इसका आंसर क्या रहेगा मेरा, 50 रहेगा। और इसी तरह जब यहां पे मैंने देखा तो यहां पे मेरा क्या आ रहा है, 4। जब 4 आए, अब यहां पे क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 को या तो 10 लिख सकता हूँ या फिर क्या लिख सकता हूँ 20। दो ही चीजें कर सकता हूँ। इस 14 को देखिए दो डिजिट, जब मुझे टेंथ में चेंज करना है सिर्फ दो डिजिट देखने हैं, चेक मुझे एक ही डिजिट करना है, जैसे 4 है 4। अब मैं चेंज करूंगा 14 को तो या तो 10 में या फिर 20 में, तो 4 है तो मुझे क्या करना है, पीछे ही रहना है, 10 तक चला गया मैं पीछे 10 तक। तो ये दो तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप वंस प्लेस डिजिट देखिए, अगर 0 to 4 है तो 0 एट वंस प्लेस, आपको सिर्फ जीरो लिखनी है। अगर 5 to 9 है वंस प्लेस के ऊपर तो आपको ऐड कर देना है 1 जो 10 प्लेस पर नंबर है वहां पर, अदरवाइज आपको नहीं करना कुछ भी। तो जैसे यहां था तो यहां पे आपको सिर्फ जीरो लगानी थी क्योंकि 0 to 4 था, और यहाँ 5 to 9 है तो मुझे क्या करना था, 1 ऐड करना था इस 4 के अंदर, और मैंने ऐड किया, बाकी के नंबर को 0 में चेंज कर दिया। अब बात आती है 100 प्लेस पे। जब 100 हो, अगर आपको मिले 00 से लेके 49 तक, मुझे दो डिजिट चेक करने हैं लास्ट वाले, दो डिजिट वंस और टेंस प्लेस चेक करना है मुझे। अगर 0 to 49 तो आपको गो बैक, पीछे जाना है, और अगर आपको नंबर मिलते हैं 50 to 99 तो आपको आगे जाना है, नेक्स्ट नंबर लिखना है। अब जैसे देखिए यहां पर भी आप एक उसी तरीके से कर सकते हो, आपको नंबर चेक करने हैं यहां पर टेंथ प्लेस पर, अगर यहां पे 0 to 4 है, 0 to 4 है तो मुझे जीरो ही लगानी है,
वंस और टेंस दोनों जगह पर, वंस प्लेस पर और टेंस प्लेस पर। और अगर 5 to 9 है तो मुझे 1 ऐड करना है एट 100 प्लेस पर। दोनों तरीके हैं आपके पास। अगर आप ऐसे करना चाहो, जैसे अगर 437 है, 437 को मैं या तो 500 लिख दूं और या पीछे कहां जाऊंगा 400 पे। अब लास्ट नंबर मैंने चेक किया, मेरा क्या आया 37। अब 37 0049 के बीच में है, तो मुझे कहां जाना है, पीछे जाना है। यहां पे जैसे 437 था तो इसको मैं 2 400 और ये नंबर आता है 500 के बीच में, तो मेरे पास में कौन सा पड़ेगा 0 to 49 के बीच में, तो पीछे जाना है। तो ये 37 जो है वो पीछे जाने के लिए है, 37 0 to 49 के बीच में, तो मैं पीछे चला गया, तो इसको मैंने क्या लिख दिया 400 लिख दिया। तो इसीलिए मेरा ये 5 4 और 00। या इस तरीके से देखें तो 0 और 4 टेंस प्लेस पे मैंने चेक किया कि टेंस प्लेस पे मेरा क्या है 3 है, तो मेरा टेंस प्लेस पे 0 और 4 के बीच में था, मुझे क्या लगाना है वंस और टेंस प्लेस पे 0 लगानी है। तो मैंने वंस पर भी 0 लगाया और टेंस पर भी 0 लगाया और मेरा एज इट इज नंबर राइट कर दिया। अब यहां देखिए इसके लास्ट 2 डिजिट जो आ रहे हैं वो 20 आ रहे हैं, तो मुझे कहां जाना है पीछे। अब ये 920 था, अब ये किस किस के बीच में आता है 900 और 1000 के बीच में आता है। तो 20 था तो 20 तो बैक जाऊंगा तो क्या आएगा मेरा 900, तो मैंने 900 यहां पे राइट कर दिया। यह है टेंस 100 प्लेस के ऊपर। दूसरा तरीका ये नीचे वाला, अगर मैं देखूं कि 0 to 4 के बीच में है तो मुझे क्या ऐड करना है 0 लगाना है वंस और टेंस प्लेस पे। अगर 5 to 9 होता तो मुझे 1 ऐड कर देता है 100 प्लेस पे। एग्जांपल देख लीजिए एक और, जैसे आपके दिया हुआ है 4650, एक नंबर दिया हुआ है आपके 4650। अब देखिए इसके टेंस प्लेस पे क्या है 5, तो मुझे 5 हो तो मुझे 1 ऐड करना है 100 पे, यानी कि यहां और बाकी 0। तो 6 में 1 ऐड करूंगा तो 7 और बाकी क्या हो जाएंगे 0। तो इसको राउंड ऑफ कर दिया मैंने 4700 के पास। इसी तरह जब मैं 1000 में देखूंगा तो मुझे नंबर चेक करना है 100 प्लेस वाला। अगर 100 प्लेस वाला नंबर है 0 to 4 के बीच में, 0 to 4 के बीच में है, तो मुझे 0 ऐड कर देनी है, 0 राइट करनी है 100 पर, टेंस पर और वंस पर, तीनों जगह पे मुझे 0 ऐड करनी है। अगर 5 to 9 है तो मुझे 1 ऐड करना है 1000 प्लेस पर, 1000 प्लेस। अब देखिए जैसे ये नंबर था तो इसका 100 प्लेस पे क्या है 1, जो कहां आता है 0 और 4 के बीच में, तो मुझे क्या ऐड करनी है 100 वाले पे भी 0, 10 पर भी 0 और 1 पर भी 0। तो मेरा एज इट इज नंबर क्या आया 20000। फिर बात आती है मेरा नंबर क्या है 100 प्लेस पर 7, जब मुझे 1000 करना है तो 100 करना है तो 10 और 10 करना है तो 1, ये चीज याद रखनी है हमें एक पीछे चलना है। तो यहां पे 7 है तो 7 कहां आता है 5 और 9 के बीच में आता है, तो मुझे 1 ऐड करना है 1000 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे यहां क्या है 5, तो 5 को मुझे 1 ऐड करके क्या लिख दिया 6 और बाकी जगह पर मुझे क्या लगानी है 0। इस तरह से हमें नंबर राउंड ऑफ करने हैं नियरेस्ट 10,100। अब आपके क्वेश्चन है जिसमें 275 स्टूडेंट्स एक पिकनिक पर जाते हैं, एक्चुअली राउंडर करना है हमें नियरेस्ट टू 10। अब देखिए 10 पे करना था तो मुझे वंस प्लेस पे नंबर चेक करना है 5, और जब 5 है तो मुझे टेंस प्लेस पे 1 ऐड क्या कर, 1 क्या कर देना है ऐड, तो 7 को मैंने 1 ऐड किया तो क्या होगा 8, तो मेरा आंसर क्या आया 280। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज आप वीडियो को एक दो बार देखोगे सुनोगे तो आपको समझ जरूर आ जाएगा। थैंक यू।